आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को? हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान, फिर जंग जीत। मांग लेते हैं माफिया दोनों। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਮੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨਬੀਲ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸ਼ਾਨੀਅਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਜ਼ਾ ਹੈਦਰ, ਅਸਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੈਜਲ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਅਬਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਰ ਦਿਓ स्टार्ट कर दो, चैनल कर लो अपना, हुने हुने सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब नाउ। तुम्हारा देश टूट गया है, अब तुम पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में हो। As we all know, the competition is in Dhaka. We should do a play on 1971, Dhaka Fall. बिला वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं है। This is how a youth is trying to be different and creative by being controversial. आजाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। तुम्हारा वाह, मतलब कि मेरे ख्याल पता नहीं कोई शायद ड्रामा वो थिएटर वगैरह होएगा कोई, है ना, कॉलेज दे विच कोई स्क्रीन मतलब कि प्ले इन्होंने करना होगा कोई ड्रामा। तो उस तो बाद वो एक कुड़ी अगे आगे करती है, मतलब कि यंगस्टर ये वो मतलब कि उदा की स्पीच है कोई, वो मेरे ख्याल वो करैक्टर के दिखाया गया जो अपने देश में प्यार करता, इदा का करैक्टर दिखाया सैजल अली का। ठीक है, तो ट्रेलर हुण तक जो तक मैं समझ आया मतलब कि मेन हजे यंगस्टर्स ही दिखा रहे हैं, तो अगे अगे देखते हैं कि होया विच कुछ फौज के आर्मी के सीनस भी सके। एंड ट्रेलर की जी फिनिशिंग वो बहुत जबरदस्त हुई भी है, मैं जब तक लग रहा फिल्म कैंट होएगी, देखो जरूर सारे ने जे साढ़े पल्ले पई तो असं भी देख लेंगे भरावा, पल्ले पई तो इट मीन के मतलब जे सू इंडिया इतने मिलती जा कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म से कितने आ गई तो असं भी देख लेंगे, अदरवाइज थिएटर के इंडिया से पता नहीं नहीं लगेगी शायद। मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। इन बातों का कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। I'm strong, I can do this. किसका आइडिया था ये? Students should pay for their non-seriousness. तुम लोग का आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को? ओके मतलब जो वो मतलब कि वंड हो जाती है, पर अद्धे लोग जो बांग्लादेश जाना चाहते जिदा कुड़ी को कहें कि वह प्यो उन्होंने जान नहीं दूगा। ठीक है, तो उस तो बाद वो जो बंद सिक्योरिटी गार्ड जैसे की सी मैं थोड़ी निगाहनी पी, क्योंकि जो हर एक सीन है वो कुछ सैकेंड्स के लिए रहा बाद भज जाता, तो वह कह रहा है कि तुम तो टैरोरिस्ट मतलब कि टैरोरिज्म में एक्सपर्ट हो, मतलब कि पाकिस्तान की जी इन्होंने छवि वो दिखाई है जी पहला सी, एंड हुण दी जिहड़ी गल शायद कुछ वक्री होएगी डिफरेंट होएगी। ढाका इन्होंने जिहड़ा बंगलादेश का एक बहुत ही मशहूर जो एक वधिया सिटी है, बहुत कैंट सिटी है ना, उत्ते आप रिएक्शंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तुसी देख सकते हैं। मारा ढाका। आप लोगों को शायद इसकी आदत ना हो मगर यहाँ पर सब मिलकर ही रहता है। क्या यार, ये जो मिस पाकिस्तान है बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है, अचानक से गायब हो जाती। मुझे अटके पूरे पाकिस्तानियों से मिलना है। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान, फिर जंग जीत गए। इन 50 साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल बनाए, और वो जीते जाते लोग जो आज भी कोलैटरल डैमेज है उनका कोई जिक्र ही नहीं। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग। तुम कहाँ जाती हो सबसे चुप कर? It's not going to be an easy trip. पता है क्या रंग लाई है वो लड़ाई जिसका बीज तुमने बोया था? और फसल आज तक वो इनोसेंट लोग काट रहे हैं जो तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की ले लें तलाशियां दोनों। एक गलती हुई किसी से भी मांग लेते हैं माफियां दोनों। आए हैं क्या बात है, 19 नवंबर नो आनी है। लेट द डिस्कस अबाउट दिस मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कमेंट्स रीड करते हैं, बींग अ पाकिस्तानी आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर स्टेट टू अपोलोजाई टू अवर बांग्लादेशी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट मेक्स मी सैड एवरी डे आई एम थिंकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आवर कंट्री वॉज वन जस्ट 50 ईयर्स अगो
बट इट मेक्स मी सैडर देन अवर पीपल वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द जेनोसाइड ऑफ बंगाली पीपल. सो या सॉरी टू ऑल बंग्लादेशी. अरे क्या बात है, मतलब जड़े ये चीज़ा हुई जरा इन्होंने एक सीन भी सी कोलैटरल डैमेज वो नाम से जड़िया चीज़ा हुई वो हजे तक कई इंसाफ वाकई नहीं मिले. जे मैं हमेशा अपने इस चैनल पर गल करता हूँ कि इंसानियत का कान नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत ही वह चीज़ आ जदों वंड हुई जिदा होया सब कुछ, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल जिन्होंने मतलब कि कुछ कुछ ना कुछ खोया अपना अपने खोया, किसी का भरा उधर रह गया, किसी की माँ रह गई, किसी का प्यो वक्रा हो गया, किसी का कोई घर बार छड के आ रहा कोई की, मतलब कि इट्स सैड यार, सैड सिचुएशन. एंड फाइनली कोई इदा की मूवी आ रही है एंड ये पाकिस्तानियों ने बनाई है या यार भाई हाँ पाकिस्तानियों ने है. सो खेल खेल में इट्स अ गुड यार, खेल खेल में मतलब अच्छा इन्होंने, अरे क्या बात है, खेल खेल में मतलब चैनल का नाम है तो ये 1 मिलियन सबसक्राइबर्स हो भी गए सीरियसली जस्ट इन द 3 मंथ्स, मतलब फिल्म दे ही इन्हें हो गए. तो मतलब तुम सोचो कि बंगलादेशी के जोड़े पाकिस्तानीज आ उन्होंने किन्ना सपोर्ट किया होना इस चीज़ में है ना. फाइनली आर डिवर्स टॉपिक दैट वी विल मेक पीपल थिंक सैड हैप्पी और इवन रेज एंड दैट्स ओके. आ फिल्म इज सपोज टू ब्रिंग आउट इमोशंस, एक्टिंग ऑन दैम इज़ द रोंग थिंग. या एक्चुअली आप कह सकते हैं बट मेरे ख्याल कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होनी है कि की कुछ होया किने की कुछ सह. हर कोई अपने देश को सपोर्ट करता, ये इंडिया की भी गल की गई सी, हो सकता काफ़ी सारे जेडे इदा के कॉन्सिक्वेंस हुए हो, मतलब कि ठीक है. साउंड्स गुड. आई होप दिस टाइम मीडिया ट्राई टू शो द ट्रू इवेंट विदाउट एनी हीरोइक और पैट्रोटिक ग्लोरीफिकेशन. हाँ ये भी गल एक है, ये भी पॉइंट बहुत मतलब कि सही है भाई दा कि हमेशा जी बायोपिक बनदियाँ जीडिया रील रीयल ईवेंट बेस्ड बनदियाँ वो हमेशा कुछ ना कुछ मसाला ऐड करके दिखाया जाता. जिदा हुण सरदार उधम सिंह फिल्म आई है वो उन्होंने कदे किते जिक्र नहीं होया पूरी हिस्टरी दे विच कि उधम सिंह किसी कुड़ी नूं प्यार करता सी, बट इत्थे उन्होंने अपनी माँ दे नालों ज़्यादा प्यार दिखाया कि वह फिल्म दे विच कि वह किसी कुड़ी नूं प्यार करता है एंड कुड़ी दे करके वह सारे काम कर रहे. मतलब कि बहुत ही शर्म वाली गल है कि यार इदां दी चीज़ां दिखाइया जांदियां. बॉलीवुड वाले तो हमेशा बायोपिक का सत्यानाश कर देंगे विच सिर्फ एक मसाला ऐड करते हैं सिर्फ व्यूज़ लैन लई फिल्म नूं चलाउण दे लई पैसा कमाउण दे लई. पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री स्टिल अंडररेटेड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बट विद कॉन्सटेंट. हाँ ये भी गल है, ये बंगलादेशी बंदे का कमेंट है एंड इंडियंस भी पहला कहिंदे सीगे कि पाकिस्तान का जिहड़ा सिनेमा बहुत डाउन आ, बट जिहड़ियां कुछ कु फिल्मां पिछे जे आई हैं लाइक वार आई है जां पाकिस्तान नहीं जाऊँगी जां इदां दियां लाहौर नहीं जाऊँगी पाकिस्तान जाऊँ इदा की कुछ सी ना ते पंजाब नहीं जाऊँगी है ना, तो मतलब कि इदा दी फिल्म आई हैं जिद नाल थोड़ा जा लैवल इहदा वधिया. एंड वैब सीरीज़ भी कैंड आउंदी ड्रामिया का तो म्यार हमेशा उच्चा रहा ही है, पर मेरे ख्याल जिहड़ा नीड टू फोकस ऑन द बिग स्क्रीन है ना वो जिहड़े हीरो नवे नवे आने चाहिए है. टैलेंट बहुत आ पाकिस्तान के इदा की गल नहीं, टैलेंट घट आ. एंड बंगलादेशी पीपल आर सो नाइस यार. जेकर तुसीं कलकत्ते इधर साढ़े इंडिया में कलकत्ते में बड़े बंगाली लोग बहुत बंगाली लोग रहते हैं एंड उन्होंने जोड़ा बोलने का स्टाइल बड़ा स्वीट है, बड़े मतलब कि क्यूट लगते हैं जो बोलते हैं है ना. काफ़ी सारे बंदे जिन्हें मैं गल्ला बातें हुई हैं मेरिया बंगाली बंद पर उन्होंने जोड़ा सुभाव मैं हमेशा अट्रैक्ट करता, मतलब कि एक उन्होंने गुड वाइब्स आदियाँ एक पॉजिटिव वाइब्स आदियाँ तो सही है. ओके सो नबील कुरैशी दी जिहड़ी डायरेक्शन आ वह वाकई हमेशा गुड रही है. सैजल का जोड़ा एक्टिंग स्किल्स आ वह कैंट आ, मेरे ख्याल एक गुड प्रोजेक्ट आ तो वधिया आएगा. देखो रिस्पोंस मैं ट्रेलर से तो अच्छा लग रहा बट जो फिल्म आएगी तो काफ़ी सारिया जिहड़ियां कमेंट्स के अगे मैं जेकर मैं कमेंट रीड करदा तो मैं देख कि लग रहा काफ़ी सारे लोग हेट भी दे रहे विच, पर नहीं होनी चाहिए ये चीज़ तुहानू पूरी. एक मिनट आप कमेंट पढ़ते हैं दैन आपां नूं मेरे ख्याल काफ़ी सारी जो नॉलेज मिल सकती है. माशाल्लाह ग्लैड टू सी पाकिस्तान आर ट्राइंग टू रीबिल्ड द रिलेशनशिप विद बंगलादेशीज एंड एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट. पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बोथ वांटेड टू लिव इन पीस बट सम हाउ फॉर द पॉलिटिशियंस पाकिस्तान गवर्नमेंट टू क्रिएटेड डिसीजंस द कॉन्स्पिरेसी ऑफ एनिमीज दिस बोथ नेशंस लॉस्ट ईच अदर एंड मैनी इनोसेंट बंगालीज लॉस्ट देयर लाइव्स. या ये गल मैं अगे भी सुननी चाहिए एंड बांग्लादेश उस करके कई तरक्की नहीं कर पाया हजे तक. ड्यूरिंग 1947 पार्टीशन बंगालीज आलसो सैक्रीफाइस द लॉर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बट पाकिस्तान गवर्नमेंट नैवर ऑनर्ड बंगालीज.
हाँ ये आप मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पा रहा कि पाकिस्तान नू अपनी गलती मननी चाहिए है, मतलब इट मीन के पाकिस्तान के लोगों को नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस नू। बट पीपल फ्रॉम बोथ नेशंस ऑलवेज लव्ड ईच अदर, माई ग्रैंड फादर वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एंड वर्कड इन इस्लामाबाद फॉर 8 ईयर्स एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी हाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे हैड विद द पाकिस्तानीज। ओके मतलब ये बंदा बंगलादेशी है। आई डोंट नो हाउ सम पीपल थिंक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान गोल्ड रिलेशन बिकॉज आई ऑलवेज सी फेलो बंगालीज बंगाल। हाँ ये चीज़ है यार कितने ना कितने, पर मेरे ख्याल ये मूवी के जरिए शायद वो चीज़ लाइक उदा जिदा हूँ इंडिया के पाकिस्तान के जोड़े संबंध से खास करके पंजाब दोनों पंजाबों के करतारपुर कोरीडोर जो बनया तो उस तो बाद जो संबंध आ वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज़्यादा स्ट्रोंोंग हुए हैं। तो ये रिवैल्यूएशन वाली चीज़ा है हौली हौली होंगे जेकर हम बंगलादेशी तो पाकिस्तान भी नेड़े आ रहे हैं तो इट मीन गुड कि चलो जड़िया पुरानिया गल्ला से उन्होंने पासे रख के मनमुटाव दूर करके उतों के लोग भी आपस में इदा ही गल्ला कर जिमें दोने पंजाबों के करते हैं। सो भी जिते बंदे जुड़ते हैं पुरानी गल्ला भुल के एक दूजे को माफ़ करके अगे वधना लाजमी है जरूरी है। ठीक है मैनू तो ट्रेलर वधिया लग्या, मैं एक्चुअली मेन टॉपिक ते गल करन लग गया बट इट सीम्स लाइक जिहड़ा ट्रेलर आ वो बहुत वधिया बनया, जिहड़े इहदे विच सीन सीगे बड़े फास्ट फॉरवर्ड सीगे, मतलब कि बड़े कोई भी सीन 3-4 तो सेकेंड तो वध नहीं रह रहा सीन, इट मीन के स्टोरी है जिहड़ी काफ़ी डिफरेंट है एंड आपां मतलब कि इंट्रस्ट बनया रहा मेरा पूरे ट्रेलर दे विच, इदां लग रहा सी क्रियोसिटी वध रही सी कि यार अगे पता नहीं की होएगा अगे पता नहीं की होएगा है ना। सो सही सीगा पिच म्यूजिक बहुत वधिया ऐड किया बट कैमरा एंगल्स बहुत वधिया सी, डीओपी गुड सी ते वधिया मूवी चल रही सी, एक स्टोरी बन रही सी। तुसीं एक स्टोरी तो जिहड़े बंदे नूं ज़्यादा उन्हां चीज़ों का पार्टीशन्स का पता उन्होंने तो वो थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब हो गया होना बट कईआं नूं गल समझ नहीं लगी होनी। सो दोबारा ट्रेलर देख सकते हैं तुसीं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो मेरे वालों थम्स अप एंड हमेशा पीस लव ते एक दूजे लिए चंगी भावना रखो एक दूजे लिए प्रे करो यार आही मेरी आमना कामना। सो मिलता मैं तुम्हें किसी होर वीडियो तद तक मैंने दो इजाजत सत श्री अकाल ते चक्की रखो इदा ही काम।